कई जिलों में भेड़िया, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार ने आतंक मचा रखा है। जिले के हसनचक बंगरा गांव में बुधवार शाम सियारों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। अब तक लोग यूपी में भेड़िये के हमले की खबर सुनकर डरे हुए थे। अब खबर है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शेरपुर पंचायत के हसनचक बंगरा गांव में सियारों के हमले से एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। झुंड में सियारों ने बुधवार शाम अचानक गांव में घुसकर लोगों पर हमला बोल दिया। सियार ने करीब एक दर्जन लोगों को काट लिया। अब इसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं हैं। हालांकि सभी घायलों का इलाज कराया जा रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। दिन में भी लाठी के साथ गांव की पहरेदारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये जानवर कुत्ते जैसा दिखता है और लगता है जैसे सियार हो, पर ये कोई भेड़िया तो नहीं है और इसकी वजह से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। और चूंकि ये गांव नहर के किनारे बसा हुआ है, जिसके किनारे घनी झाड़ी और बड़े बड़े पेड़ हैं, सियार हमले के बाद इसी झाड़ियों के बीच छिप जाता है और लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। गोल्डन जैकल जो कैनिस ऑरियस कहते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति की का जानवर होता है। ये वही जानवर है और ये जानवर प्रायः मानव आबादी से दूर रहता है, सुनसान इलाके में रहता है, शाम के वक्त निकलता है, सुबह में सूरज निकलने से पहले फिर अपने घर को चला जाता है। इधर वन विभाग ने सूचना के बाद इस क्षेत्र में सियार को पकड़ने के लिए 3 पिंजरा भी लगा दिया है, पर अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सियार को पकड़ने के लिए अभियान चलाया है, पर हाथ अब तक खाली है। वन विभाग लोगों की शिकायत करने के बाद एक्टिव तो हो गया है, लेकिन देखना ये होगा कि इस पिंजरे में सियार फंसता भी है या नहीं। जब तक सियार को पकड़ नहीं लिया जाता, तब तक लोगों की नींद तो उड़ी रहेगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में धीरे धीरे सियार का आतंक बढ़ता जा रहा है। पहले मुशहरी प्रखंड के शेरपुर इलाके में सियार ने करीब 12 लोग को जख्मी किया और अब कुडनी प्रखंड के माधोपुर सुस्ता इलाके में भी लोगों पर हमला बोला है। कई बच्चे तो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय और सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया ये जा रहा है कि माधोपुर सुस्ता इलाके में सियार खूंखार हो गया है और लगातार लोगों पर हमला कर रहा है। अब तक इस इलाके में करीब 10 लोग शिकार हुए हैं और सियार के आतंक से पूरा इलाका भयभीत है। लोग लाठी डंडे लेकर इलाके में घूम रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम भी सियार को पकड़ने में जुटी हुई है। कई जगहों पर सियार के बांध के पास जाल लगाया गया है। हालांकि मीनापुर में भी कई लोगों के घायल होने के बाद एक सियार को पकड़ा गया है। मैं ब्लैक टाइप का कुत्ता है और बहुत को घबराइल कर दिया। मेरे बेटा को बहुत फाड़ दिया, छेड़ दिया। कुत्ता था जी। नहीं सर, बढ़िया ऐसा नहीं। कहाँ पर? ये बिशनपुर के 5 नंबर वार्ड में हुआ सर। डीएफओ साहब के निर्देश सूचना जैसे ही विभाग को दिया गया, उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू टीम के प्रभारी पंकज जी वगैरह, हम हैं, शशि जी हैं, सब लोग साथ में जो है सो लगे हुए हैं। जगह जगह पिंजरा केज वगैरह को लगा दिया गया है। सर्च अभियान भी कल चला था और जहाँ जहाँ उसके आने जाने का ये है, इस चीज़ को लोकेट किया गया है, वहाँ सब जगह पिंजरा लगा। बाढ़ जैसे जिंदगी